हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं दानेदार कलाकंद बर्फी। यह रेसिपी झटपट बन जाती है और खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल आएगा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं दानेदार कलाकंद बर्फी। कलाकंद बर्फी बनाने के लिए मैंने आधा किलो पनीर लिया है। सबसे पहले हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम एक कप दूध डालेंगे और अब इसमें हम किसा हुआ पनीर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि मिल्क पाउडर में गुठलियां ना पड़े। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। यदि आपको दूध कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करेंगे। इस रेसिपी के लिए ना हमें चाशनी बनाना है न खूब इसे पकाना है। यह बर्फी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार हर व्रत त्योहार पर इसे ही बनाएंगे। अभी हमारा मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, जब ये इस तरह का हो जाए तो बस इसी समय हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। इसमें मैं आधा कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यूसली हिलाते हुए 5 मिनट हम इसे और पका लेंगे, जिससे कि शुगर डालने से जो पानी निकला है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे 5 मिनट पका लिया है। बस हमें इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे मिश्रण की होनी चाहिए। इसे हम बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जब आप इसके पीसेस करेंगे तो ये टूटने लगेगी। बस ये हमारा मिश्रण परफेक्ट है। इसमें थोड़ा मॉइस्चर भी है और ये थोड़ा ड्राई भी है। बर्फी सेट करने के लिए हम थाली को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम सारे मिक्सचर को थाली में डाल देंगे। इस मिश्रण को हम थाली में चारों तरफ फैला देंगे। आप चाहें तो इसे ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। इसे हम बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम से डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो बस ये हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे अपने मन पसंद शेप में कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए कितनी दानेदार और बढ़िया बर्फी बनी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।